नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा गोंदकर, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम देखने वाले हैं प्लांटर फेशियाइटिस के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। प्लांटर फेशियाइटिस यानी एडी का दर्द, लोगों को बहुत तकलीफ होती है जब वो सुबह सुबह उठते हैं और पहले 4-5 कदम चलते हैं, तो ये जो दर्द है जो सोल में होता है तो उसको बोलते हैं हम प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशिया अपने एडी से लेके पंजे की उंगलियों तक फैला हुआ रहता है। जब हम सोते हैं तो अपना पैर एक ही पोजीशन में रात भर रहता है, इसलिए जब आप उठते हो तो वो अचानक से प्लांटर फेशिया स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। मैं कुछ आसान से एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप घर पे कर सकते हो और 8 से 15 दिन में आपका प्लांटर फेशियाइटिस का दर्द कम हो जाएगा। तो प्लांटर फेशिया रिलीज करने के लिए सबसे पहले हमको करना है कॉन्ट्रास्ट बाथ। तो ये कॉन्ट्रास्ट बाथ होता क्या है, आपको 2 टब में पानी लेना है। एक टब में आप गर्म पानी लोगे और एक टब में आप नॉर्मल टैप वाटर लोगे। तो गर्म पानी ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके पैर डुबो सकते हो। सबसे पहले आपको आपका जो पैर दुखता है वो गर्म पानी में डालना है, उसको 3-4 मिनट्स तक आपको पानी में रखना है पैर। उसके बाद 2 मिनट के लिए आपको ठंडे पानी में पैर डालना है। सो यू हैव टू रिपीट दिस फॉर 10-15 मिनट्स। तो आपको स्टार्ट करना है गर्म पानी से और एंड करना है गर्म पानी से ही। तो आप 4 मिनट गर्म पानी में पैर रखोगे और 2 मिनट ठंडे पानी में पैर रखोगे। तो जैसे ही आप उठते हो तो बेड से उठने से पहले आपको उंगलियां ऊपर नीचे करनी है, 1, 2, 3, 4, 5। आप जैसे देख सकते हो उंगलियां पूरी बेंड करनी है और पूरी स्प्रेड करनी है। ये एक्सरसाइज आपको 10-20 टाइम्स करनी है। ये होने के बाद आपको पूरा पंजा ऊपर और नीचे ऐसे हिलाना है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 10-20 बार करना है। इसके बाद आपको प्लांटर फेशिया का स्ट्रेच करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, आप एक पैर दूसरे पैर के ऊपर क्रॉस करोगे और अपने हाथ से अपनी उंगलियां पीछे की तरफ खींचोगे। तो आप देख सकते हो जो अपना पंजा है पैर का, उस वो जहाँ पे आपको दर्द होता है वहाँ पे वो प्लांटर फेशिया स्ट्रेच हो जाता है। तो ये ऐसे पकड़ के रखना है 10 सेकेंड्स, एंड फिर 10 सेकेंड्स के बाद आपको रिलीज करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको 10 टाइम्स करना है। अगले एक्सरसाइज में आपको दीवार को टेक के बैठना है। अभी आपको स्ट्रेचिंग करना है काफ मसल्स का। तो आप दुपट्टा या टॉवल लेके आपके पंजे को इस तरह से पकड़ेंगे और पंजा अपनी तरफ खींचोगे। 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स अगेन। सो आपको दुपट्टे से पंजा अपनी तरफ खींच के रखना है। मेक श्योर आपके काफ मसल्स को स्ट्रेच आ रहा है। 10 सेकेंड्स होल्ड करो एंड देन रिलैक्स। अगले स्ट्रेचिंग में आप घुटने के नीचे एक लोड लोगे ताकि आपका घुटना एक एंगल में फिक्स हो जाए। फिर आपको सेम स्ट्रेचिंग फिर से दोबारा रिपीट करनी है। तो आप पंजे को दुपट्टे से पकड़ोगे और अपनी तरफ खींचोगे। 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। पहली वाली स्ट्रेचिंग और ये स्ट्रेचिंग आपको 10 टाइम्स ईच करनी है। अगले एक्सरसाइज में आप पैर के नीचे एक कपड़ा रखोगे, आपको उंगलियों से ये कपड़ा उठाना है और छोड़ना है। ये आपको 20-30 बार एक्सरसाइज करना है। इससे आपको प्लांटर फेशिया में स्ट्रेंथ मिलेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको दीवार का सपोर्ट लेके खड़े रहना है। उसके बाद आपको अपनी हील्स यानी एडी रेज करनी है। 5 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आपको 20-30 टाइम्स करनी है। इससे आपके काफ मसल्स और प्लांटर फेशिया में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगले एक्सरसाइज में आपको प्लांटर फेशिया को थोड़ा मसाज देना है, जिसकी वजह से प्लांटर फेशिया रिलीज हो जाएगा। उसके लिए आपको एक कड़क बॉल या टेनिस बॉल ले सकते हो, वो पंजे के नीचे रखना है और बॉल रोल करना है। तो आप इस तरह से पंजा आगे पीछे कर सकते हो, उसकी वजह से आपको डीप फ्रिक्शन मसाज मिलेगा और प्लांटर फेशिया रिलीज हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आपको 20-30 टाइम्स करनी है।